अधीक्षक के लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है नन्हे छात्रों को। दरअसल यह पूरा मामला रायगढ़ जिले के सारगढ़ तहसील क्षेत्र की नाचनपाली अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास का है, जहां से मनोज नायक अधीक्षक का नियुक्ति हुआ है। आलमी कुछ अलग बयां करती है। यूं तो शासन प्रशासन उचित शिक्षा को लेकर काफी गंभीर है। छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा के साथ ही साथ भोजन, आवास, गणवेश जैसे व्यवस्था मुहैया कराई जा रही है। आवास संबंधित बात करें तो जगह जगह गरीब छात्रों के लिए छात्रावास सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जहां छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सराहनीय पौष्टिक आहार व्यवस्था की जा रही है। छात्रावास की अलग बात करें तो छात्रों की देखरेख के लिए एक अधीक्षक नियुक्त भी किया गया है, जो छात्रों की सही तरह से देखभाल करें। लेकिन नाचनपाली छात्रावास के अधीक्षक मनोज नायक द्वारा शासक के बनाए गए नियम को ताक में रखते हुए छात्रों को सही ढंग से भोजन नहीं कराया जा रहा है, जिससे नन्हे बच्चों का तबीयत बार बार खराब होती नजर आ रही है। अधीक्षक इतने लापरवाह हैं कि नन्हे बच्चों की तबीयत खराब होने पर उन्हें चिकित्सक के पास भी नहीं ले जाया जा रहा है। आशीष कुमार जोली, कहाँ रहते हो? मैं पलाक छात्रावास नाचनपाली। वो छात्रावास नाचनपाली में संचालित है या लेंद्रा में संचालित? लेंद्रा में संचालित। कहाँ पढ़ाई करते हो? मैं यही हाई स्कूल में। कौन सी क्लास में हो? 9 क्लास में। अच्छा, छात्रावास में क्या क्या परेशानी है? वहाँ खाना ढंग से नहीं मिलता। खाना ढंग से नहीं मिलता मतलब साफ सफाई नहीं रहता है? साफ सफाई नहीं रहता है और ठीक से नहीं बनते खाना। अच्छा, और दाल कितने टाइम दिया जाता है? एक टाइम दिया जाता है। कब से? मैं तो पहला साल है मेरा, यही मैं हूँ। उसके बाद अब पता नहीं, अब तो रात में देते हैं एक बार। अब जब से आए हो तब से कितना समय दाल दिया जाता है बोर्ड में? कभी दिन में कभी रात में, दोनों टाइम दाल नहीं दिया जाता है। अधीक्षक कौन है वहाँ? वहाँ मनोज कुमार नायक है। मनोज कुमार नायक रात में कहाँ रहते हैं? वो तो यहाँ उनका क्वार्टर मिला है, वहाँ रहते हैं। कहाँ मिला है क्वार्टर? यही गर्ल्स हॉस्टल में। गर्ल्स हॉस्टल में सर को क्वार्टर मिला है? हाँ, मैम को मिला है, लेकिन वो भी रहते हैं। दोनों मिस्टर। अच्छा, रात में अचानक अगर बीमार की स्थिति आ जाए तो उस स्थिति में कैसे करते हो? फोन लगाते हैं, नहीं आते हैं, उसके बाद हम खुद से जाते हैं। परसों गए थे हम लोग। अभी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें छात्रावास के कुछ छात्र जो है उप स्वास्थ्य केंद्र गए हुए थे। हाँ, क्या था मामला, क्या था? किसी का पेट दर्द करता, बार बार पीछे से आ रहे थे, इसी का और स्किन बार बार खुजली उजली हो रहा था इसलिए। अच्छा, तो क्या बताया डॉक्टर का, क्या कहना था? डॉक्टर का कहना था कि ये सब साफ सफाई और खाने पीने का है करके। और जब चिकित्सक पास गए तो आप लोग छात्र ही गए थे कि अधीक्षक भी साथ में? छात्र गए थे बस, और कोई नहीं गए थे। अधीक्षक को फोन के माध्यम से सूचित किए थे? सूचित किए थे। तो अधीक्षक वहाँ पहुँचा? नहीं पहुँचे। कितना समय हो रहा था वो रात जब? रात में 10-10:30 बजे रहा था। अच्छा, फिर भी नहीं पहुँचे? नहीं पहुँचे। अचानक अगर कुछ घटना घट गई वैसे स्थिति में अधीक्षक पहुँच पाते हैं कि नहीं पहुँच पाते? ना। क्या? नहीं पहुँच पाते हैं। नहीं पहुँच पाते हैं। क्या सुविधा चाहिए आप लोग को? वैसे अधीक्षक वहाँ रहे कि उससे अच्छा एक अधीक्षक है जो आप लोग का देख रेख हर हमेशा करे? देख रेख हर रोज करे, वैसे अधीक्षक चाहिए हम लोग को। सभी छात्रों को ही कहना है, सिर्फ सभी छात्रों को कहना है? सभी छात्रों को कहना है। टोटल कितने रहते हैं वहाँ? 35 जने छात्र हैं, नाम लिस्ट है हम लोग का, लेकिन 20 से ज़्यादा नहीं रहते हैं। डेली कितने रहते हैं? 20-21 ऐसे। टोटल 35 में नहीं रहते? करीना जल्दी। कहाँ से? बड़े गंतुली। रहना कहाँ होता है? हॉस्टल में रहती है। कितने किसने छात्र हैं वहाँ? 32। और सबके सब रहते हैं कि? अभी कुल नहीं आए हैं। कितने लोग रहते हैं अभी? अभी 32 जने हैं। 32 जने। खान पान यहाँ का बढ़िया है? सब अच्छे हैं। दाल दोनों टाइम दिया जाता है? दाल एक टाइम देते हैं। दो टाइम ही दिया जाता है? नहीं, हम लोग एक टाइम बोलते हैं ना, इसलिए एक टाइम बोलते हैं, इसलिए एक टाइम दिया जाता है। और अधीक्षक बॉयज हॉस्टल के अधीक्षक गर्ल्स हॉस्टल में रुकते हैं क्या? तो उन लोगों का अलग रूम है, तो लोग अलग रहते हैं। कहाँ? वो जो हमारे हॉस्टल का मेन रोड है उसके बगल में अलग है उन लोगों का रूम। अच्छा, दोनों पति पत्नी हैं? हाँ। तो मतलब वो हॉस्टल छोड़ के ही रात में ही रहते हैं? रात को आते हैं। अच्छा, एक दुकान वाली बात आ रही थी हॉस्टल को लेकर, दुकान वहाँ कौन खोल रखा है हॉस्टल में? हम लोग बोले हैं तो बाहर नहीं जाते हैं। हाँ, तो कौन खोल रहा है दुकान? कौन खुला है? मैं। तो वहाँ तो कुछ सूचना मिला है कि सर वहाँ रहते हैं, मैम नहीं रहते हैं? नहीं, दोनों दिन का नहीं रहते हैं सर, सिर्फ रात में आते हैं। दुकान की मैं बात बोल रहा हूँ, दुकान को मैम चलाते हैं। मैम चलाते हैं? जब हम लोग बोले हैं जो सामान मंगवाते हैं उसी को लाते हैं।